गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4th 7th क्लास का हीट, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? हीट। हीट, सो हीट होती क्या है? ये बेसिकली आप रिलेट कर सकते हो गर्मी से। जब हमें कोई भी चीज़ गर्म लगती है या कहीं पे हमें फ्लेम्स दिखती हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है, मीन्स कुछ लग रहा है, ठीक है, कुछ गर्म लग रहा है, राइट। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ देखते हैं, जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स का मीनिंग, जो आप समर्स में गर्मियों में पहनते हो, वो कॉटन कहाँ से मिलती है? प्लांट से, मीन्स प्लांट फाइबर से। वो एंड जो ये कॉटन है, ये कब वियर की जाती है? समर में, समर सीज़न में, ठीक है, गर्मियों में हम डालते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं? वूलन क्लॉथ्स। अब वूलन क्लॉथ्स का मतलब जो हम ठंड में पहनते हैं, देन वी गेट फ्रॉम एनिमल फाइबर, ठीक है। हम कब डालते हैं वूलन क्लॉथ को? विंटर्स में। ओके, सो कॉटन के बारे में कॉटन के हमारे जो क्लॉथ्स हैं, वो हम प्लांट फाइबर से मिलते हैं हमें, और जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सर्दियों में पहनते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक, विच इज़ हॉट एंड कोल्ड। क्या है? हॉट एंड कोल्ड। अब हॉट और कोल्ड का क्या मतलब है? हॉट मीन्स गर्म और कोल्ड मीन्स ठंडा। सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप हॉट और कोल्ड को कैसे पता करोगे कि कोई चीज़ ठंडी है या कोई चीज़ गर्म है? अब अगर मान लो मैं आपके सामने एक गिलास रख दूँ पानी का, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि ये पानी ठंडा है या गर्म है? ऑब्वियस सी बात है कि आप पीकर बताओगे, अदरवाइज़ आप उसको टच करके बता सकते हो कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है, ठीक है। तो आप टच करके किसी भी चीज़ को बताओगे कि वो ठंडी है या गर्म है, राइट। देन अब तो बात हमने यहाँ पे बता दी कि एक गिलास पानी है, ठीक है, हमने बता दिया कि वो ठंडा है या गर्म है। बट अगर मैं आपके सामने दो गिलास पानी के रख दूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि इनमें से ठंडा कौन सा है और गर्म कौन सा है, तो आप हाथ लगा के बता सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस पानी का टेम्परेचर बताओ कितना है, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। अब ये टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है, क्या बात कर रही हूँ मैं कि ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर होता क्या है? तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आप देख सकते हो, ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है या हमें ये हमें क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। ये टेम्परेचर मेज़र कैसे किया जाता है? थर्मोमीटर से। कैसे मेज़र किया जाता है टेम्परेचर? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर आपने घर में सुना होगा। अभी के लिए आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो जो उसका रिलायबल मेज़र मिलता है हमें, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर मेज़र कैसे होता है? थर्मोमीटर से। सो नाओ, अभी हमने बात करी कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। अब जो टेम्परेचर है, वो अलग अलग चीज़ों को मेज़र करता है। जैसे आपको किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करना है, या फिर किसी भी चीज़ का करना है, या फिर हम अपनी खुद की बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर मेज़र, ठीक है। सो बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेज़र करेंगे? जो टेम्परेचर है बॉडी का, द टेम्परेचर दैट मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। अब क्या है कि जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, वो होता है हमारा कौन सा थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। अब अपनी बॉडी का टेम्परेचर कब लेते हैं? जब भी आपको फीवर होता है, तो हमें अपना टेम्परेचर देखना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है या फिर इतने डिग्री सेल्सियस है। ओके,
अब हम इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. सो इट इज़ मेड ऑफ ए ग्लास ट्यूब. किससे बना होता है? ग्लास की ट्यूब की तरह होता है, उसी से बना होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने देखा होगा. और एक होता है हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर, जिससे हम एक बटन प्रेस करते हैं और उससे पता चल जाता है कि जितनी भी बॉडी, जितना भी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसका, ठीक है. बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं. तो वो ग्लास का बना होता है, ये मैंने आपको बता दिया. और इसके अंदर क्या होता है? एक बल्ब होता है, एक उसके एंड पे, जो किससे फिल होता है? मर्करी से. अब हमारे पास जो थर्मोमीटर है उसके एक एंड पे क्या होता है? बल्ब होता है. और ये जो बल्ब होता है वो मर्करी से फिल होता है. और ये बल्ब वो बल्ब नहीं होता जो ट्यूबलाइट वगैरह में यूज़ किया जाता है. ये एक छोटा सा बल्ब है. जब आप थर्मोमीटर को पास से देखोगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको. तो जब आप इसको पास से देखोगे तो क्या होता है कि इसके अंदर एक फील्ड स्पेस होता है, उसको बोलते हैं मर्करी. क्या बोलते हैं उसको? मर्करी बोलते हैं. मर्करी का क्या कलर होता है? सिल्वर कलर का, लिक्विड सा होता है. अगर आप उसको अपने हैंड पे रखोगे तो वो मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं मर्करी. और जो ये मर्करी का लेवल है, राइज होता है थ्रेड लाइक पोर्शन डेट इंडिकेट्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी. अब ये जो मर्करी है ये राइज करता है, और इसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है. अब ये मर्करी कहाँ राइज करता है? अब ये जो पोर्शन है राइज करता है कितना, ये बताता है हमें कि कितना टेम्परेचर है. ओके, नेक्स्ट, द लेवल ऑफ मर्करी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग दी स्केल. अब यहाँ पे ये जो साइड में स्केल होता है, ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पिक्चर में, ये जो साइड में स्केल होता है इसी से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है. ओके, देन रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताता है. एंड द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस. ओके, फिर आता है हमारे पास कि ऑन एन एवरेज हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है. नाउ द कन्फ्यूजिंग पार्ट इज, आपने कभी अपने घर में कोई ये चीज़ सुनी होगी कि आपके जब भी पेरेंट्स आपका जो फीवर मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से, तो वो आपका थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर देख के ये नहीं बोलते कि 40 डिग्री सेल्सियस फीवर है या फिर 50 डिग्री सेल्सियस है. हमारे घर में यूजली बोला जाता है कि 99 है, ठीक है, 99 इसको फीवर है, तो या फिर 101 है, 102 है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं. क्यों बोला जाता है? बिकॉज हम जो टेम्परेचर देखते हैं वो होता है फारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री फारेनहाइट पे. लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं. हमारे पास जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें डिग्री फारेनहाइट में हम रीड करते हैं. दैट्स वाई जब हमें फीवर होता है तो हमें इस तरह से होता है कि 101 है, 102 है या 104 है. सो वो हम डिग्री फारेनहाइट में बोलते हैं. ओके, एंड यहाँ पे जैसे बोला गया है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है. क्या बोला गया है? कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है. और अगर इसे फारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है. कितना है? नॉर्मल टेम्परेचर. डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट. ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में. आगे हम पढ़ेंगे कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं. आगे जो भी स्टेप्स हैं इसके वो पढ़ेंगे. सो होप ये आज जो भी काम मैंने आपको करवाया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप इसको रीड कर सकते हो जो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर डिस्प्ले की गई है यहाँ पे, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.